वेलकम फ्रेंड्स फॉर द एग्जाम ऑफ यू पी एस सी एल सी वट वी आर डूइंग टूडे वी आर एनालाइजिंग द कीवर्ड एच आर मैनेजमेंट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सो दिस इज दिलेबस ऑफ यू पी एस सी एल सी और इस यू पी एस सी ए एल सी के सिलेबस में देर आर की वर्ड्स द फर्स्ट की वर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट विच इज मोर ऑफ एच आर एम एन एंड नोट एच आर डी दिफरेंस बिटवीन एच आर एम एंड एच आर डी एंड सेकंड इज नेचुरल जस्टिस ठीक है सो इन दो कीवर्ड ये जो दो कीवर्ड है सिलेबस में इन दो कीवर्ड्स की बाउंड्री क्या है व्हाट वी शुड बी स्टडिंग इन देम दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो सो दिस इज पार्ट फोर विच वी आर डूइंग टुडे ठीक है इसके अलावा दिस इज अवरऑल सिक्स पार्ट सीरीज ऑन यूपीएससी एल सो पार्ट वन में व्हाट वी डिड ओवरऑल स्ट्रेटजी कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है कैसे पढ़ाई करना है कट ऑफ कितना होगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है वेटेज क्या है डिफिकल्टी लेवल क्या है पुराने एग्जाम से क्या सीख सकते हैं वो सब था पार्ट पार्ट इज लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर एटसेट्रा पार्ट थ्री वाज जनरल मेंटल एबिलिटी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में क्या पढ़ना है टूडे वी आर डूइंग पार्ट फोर पार्ट फाइव इज वॉट करंट इवेंट्स और पार्ट सिक्स इज वॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैसे और क्या पढ़ाई करना है सो सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड जो अपना का जो का टॉपिक है है ठीक पेपर 2015 में उसमें दस सवाल आए थे फिर अगले बार उसके आठ सवाल आए ठीक है नेचुरल जस्टिस के पंद्रह में आठ सवा, सवाल चार सवाल आए फिर दो हजार सत्रह में नेचुरल जस्टिस पेपर हुआ था उसमें तीन सवाल आए पहली बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा से दस सवाल आए थे अगली बार आठ आए इसका मतलब ये नहीं बना के चलना है कि अगली बार भी आठ या दस ही आएंगे अगले बार पंद्रह से बीस सवाल भी आ सकते हैं सो गैट यू शुड बी रेडी विद दिस थिंग इन योर माइंड दैट डोंट गो विद एनी प्री कंसिव नोशन की पिछली बार एग्जाम में फ्रॉम अ गिवन टॉपिक इतने सवाल आए थे तो अगली बार भी इतने ही आएंगे ठीक okay. है So, शुरू करते हैं एंड बिफोर दैट अगर ए एग्जाम को लेके आपको कुछ और डाउट्स हैं जैसे एलिजिबिलिटी को लेके अगर आपको डाउट है या एग्जाम कब होगा इसको लेके है एग्जाम का सिलेबस क्या है डिफिकल्टी लेवल क्या है वेटेज क्या है प्रीवियस पेपर एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इन सारे की सारी चीजों के लिए या फिर कैसे तैयारी करना है वट ह्यूमन पेरिटस विल डू फॉर यू इन सभी के लिए देर आर वीडियोज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस एक एक करके आप वीडियो देख लीजिएगाबसाइट पे जाइए के पेज पे जाइए एंड यू विल फाइंड इट देर लेट्स कम बैक अभी का हमारा अभी का हमारा एजेंडा क्या है अभी का एजेंडा है कि एच आर और नेचुरल जस्टिस में हमें क्या पढ़ाई करना है दिस द एजेंडा फॉर दिस वीडियो ठीक है So guys, अब ये समझने के लिए कि एच का सिलेबस क्या है क्या उसकी बाउंड्री होना चाहिए ऑफ कोर्स पहला सोर्स था कि हमने पुराने ए के पेपर हम लोगों ने देखे उसके अलावा भी लेकिन काफी यूपीएससी एग्जाम है जहां एच का सिलेबस होता है आठ नौ पेपर और भी हैं जहां हमारे पास यूपीएससी के ही जहां एच का ही सिलेबस होता है जैसे कि ई एस का पेपर है और इसके सिलेबस में भी एच से सवाल आते हैं फिर एल uh, सी में तो ऑफकोर्स हमने देख ही आते हैं फिर एडमिन uh, ऑफिसर का जो पेपर है उसमें पर्सनल मैनेजमेंट के सवाल आते हैं इज नथिंग बट ओल्डर वर्जन ऑफ ओनली ठीक इसी तरह मैनेजर सीएसडी में भी पर्सनल मैनेजमेंट के सवाल आते हैं ठीक है सो ऐसे कई सारे एग्जाम्स थे जिसको देख के वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि एचआर की, की बाउंड्री क्या है सो so, क्या जी एचआर की बाउंड्री के लिए एचआर से सबसे पहले आप तुम्हारे दिमाग में सिलेबस क्या आता है ऑफकोर्स अगर जब भी हम कहीं एच के सिलेबस की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है किसी भी बुक में आप देख लेना ये दिया होगा पहले कि एच क्या है फिर एच का थोड़ा एक बैकग्राउंड एच के डिफरेंट मॉडल्स क्या है

इनवॉलेंट्री उसके अलावा मोटिवेशन ऐसे कुछ कुछ तो दिस बिकम्स दिलेबस हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो एल सी का पेपर में, 2017 में ये वाला आया, से है ही नहीं दिस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ चेंज मैनेजमेंट जो की ओबी का टॉपिक है फिर एक और सवाल दो हजार सत्रह में आया विच आर फ्रॉम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट अगेन विच इज टॉपिक ऑफ ओ बी एंड नोट एच आर कि 2015 में एक और सवाल देख लीजिए अगेन दिस फ्रॉम टॉपिक ऑफ लर्निंग विच वी हैव इन अवर ओबी बुक्स एंड नॉट एचआर बुक्स एक दिस वाज फ्रॉम एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन फिर ये वाला देख लीजिए परसेप्शन सो डिसीजन मेकिंग देन ग्रुप थ्योरी और कितने सारे सवाल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पर्सनैलिटी जो कि एच के ट्रेडिशनल सिलेबस में नहीं होते हैं टॉपिक ऑफ पर्सनैलिटी सो इसका कंक्लूजन क्या है गाईज? इस सारे कंक्लूजन क्या है इसका कंक्लूजन ये है कि हमें सिर्फ इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एच नहीं करना है हमें ओबी का सिलेबस भी कवर करना है सो so, एच में तो आपके वाले टॉपिक पढ़ नहीं है कौन से वाले ये जो हमने लिखे हैं अभी ये सारे एच के टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं रेड वाले इसके अलावा कुछ ओबी के टॉपिक भी करने हैं और वो कौन कौन से हैं ये वाले यह आप वीडियो थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा ये ओबी के टॉपिक भी आपको करने हैं जो कि कई बार एचआर की बुक में होते हैं कई बार नहीं भी होते हैं सो एचआर डजंट मीन ओनली एचआर एचआर का मतलब है एचआर प्लस ओबी बोथ एचआर प्लस ओबी बोथ इनफैक्ट मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं ठीक है जैसे अभी हमने देखा कि 2015 में जो एएलसी का पेपर हुआ फिर 2017 में जो एएलसी का पेपर हुआ करेक्ट So 2015 में जो एल का पेपर हुआ उसमें दस सवाल आए सत्रह से अब इस दस में से जो एचआर के सवाल आए वो आए चार ठीक है और ओबी के सवाल आए छह मतलब 2015 में तो ओबी के सवाल एच से भी ज्यादा थे 2017 में अगर हम यही वाला नंबर देखें तो एच से आए पांच और ओबी के आए तीन सो so, Uh, क्योंकि हमने एक एक सवाल का एनालिसिस किया इसलिए आपको ये सब हम लोग हम लोग बता रहे हैं सो आइडिया इज व्हाट आइडिया इज की ओबी भी इक्वली इंपॉर्टेंट इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू कवर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी ए एल सी उसके अंदर पढ़ना क्या है हमने बाउंड्री आपको बना के दिखा दिया है ठीक है अब समरी करते हैं कि क्या करना है एच आर के लिए आपके पास आपको एच आर दोनों करना है दूसरी बात का मतलब क्या है? कि जो पूरा, content, books, और अभी का पूरा हमें बनने की नहीं। लेकिन जो अ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर कीवर्ड बेस्ड आप पढ़ते चले जाओगे सो दिस विल कवर इट वेरी वेल और कोशिश करना कम से कम दो बुक्स आप कवर कर लो एचआर की जो भी आपको ठीक लगे अच्छा बाई द वे अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो फिर आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है जो हमने आपको प्रिंटेड बुकलेट दिया है जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिया है बस उतना ही करना है अगर उसको एक बार कर भी लो दोबारा फिर करना है सो डो नॉट टच एनीथिंग एल्स अगर इफ यू आर एनरोल्ड विद अस सो ये वाला स्लाइड किसके लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं या बाकी कहीं और से कर रहे हैं ठीक है फाइनली कि जो टॉपिक अपना नेचुरल uh, जस्टिस का जो टॉपिक है ठीक है नेचुरल जस्टिस का बड़ा ही लिमिटेड सिलेबस है ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो ये सब भी पूछता है कि इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या थी लेटेस्ट सो नेचुरल जस्टिस के दो तीन प्रिंसिपल हो तो करना ही है उनके एक्सेप्शन क्या है वो करना ही है लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह पूछ लेता है नेचुरल जस्टिस के दो तीन या चार सवाल आते हैं यू, यूजली बट खास बात यह है कि आई थिंक सिर्फ एक दिन पढ़ना एक दिन पढ़ के कम से कम दो तीन चार सवाल तो तुम्हारे Uh, uh, तो शॉर्टकट का मतलब क्या है जो शॉर्टकट हमने की वर्ड लिखा है इसका मतलब यह है कि डोनो ट्राई टू फाइंड एनी शॉर्टकट आप एच आर के यूट्यूब पे जाके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश मत करना उसमें से सारा पेपर नहीं आएगा हो सकता एक तो सवाल आ जाए पर इतने सवाल नहीं आएंगे कि आप कटो पार कर लो स्टिक टू ट्रेडिशनल बुक्स जो एचआर के टिपिकल बुक्स हैं जो एम बी ए वाले बच, बच्चे पढ़ते हैं प्लीज गेट बैक टू दे आपको पूरा समझने का रेड नहीं है important questions. उससे आपके सारा coverage आपको 100% coverage कवरेज नहीं मिल पाएगा लेट एस नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू गाइजेयर फॉर यूपीएससी एल सी एग्जाम विद ह्यूमन पेरिटस सो so, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं लेट लेटेस्ट गो टू वेबसाइट ऑफ सो विल गो ऑन द होम पेज आई ऑन द होम पेज आई क्लिक ऑन लिंक एंड यूपीएससीड क्लिक ऑन दैट आई कम ऑन द दूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम पेज ठीक है अब एलसी जो तुम्हारा एंटायर प्रिपरेशन का जो प्लान है दैट थ्री सबसे पहले आप लोग क्या करोगे सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज द सैंपल से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए एंड यू कैन सी हाउ हैज बिन पुट टूगेदर ठीक है सो स्टेप नंबर वन डन गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस

वीडियो क्लासेस ठीक है अब नाउ टू अंडरस्टैंड एंड टू असेस द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग इन दिस वीडियो क्लासेस बट यू कैन डू अगेन ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन गो थ्रू सम ऑफ़ दिस क्लासेस जैसे यहाँ को सिलेबलोज का क्लास पढ़ा हुआ है एचआर का है ओबी का है Uh, का है सो so, कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेज एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू सो दिस स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं गो थ्रू वीडियो क्लासेज फर्स्ट देन दे गो थ्रू बुकलेट्स डिपेंडिंग अपॉन यूअर स्टाइल ऑफ लर्निंग बट दीज टू स्टेप्स टूगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा देन वी कम टू थर्ड स्टेप

सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं जैसे कि कंपनसेशन के ही अस्सी सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही पचास सवाल होंगे सो सब टॉपिक वाइज यू विल फाइंड दीज यूडीज अराउंड सेवन एट थाउजेंड क्वेश्चन ब्रोकन इनटू सब टॉपिक्स सो इसका इसका क्या फायदा है सो दिस गिवज यू फ्लेक्सीबिलिटी टू फोकस ओनली ऑन दोज एरियाज वेर यू फील द नीड सेकेंड थिंग इज

वो आज तक जितने भी हुए हैं वो सारे सवाल भी आपके लिए ये इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड वीच आर हेल्थी रेलिवेंट बाई द वे और उसमें से जो रेलिवेंट नहीं है हमने हटा दिया है जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं आपको इंग्लिश नहीं देखेगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसके सवाल हमने हटा दिए हैं इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है हमने हटा दिया है सो so, जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन सात हजार में Guys, it is super important कि आपको ये सात हजार सवाल एक एक करके करने हैं इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं ऐसा होता है कि एक एक बार एक सवाल कोई एपीएचसी में 2015 में आया फिर ए एल में 2017 में आ गया सवाल रिपीट भी होते हैं सो so, सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं bank क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट है अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम इसके बाद क्या है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है uh, to make you understand time management for the exam day again on the online test platform just like real uh, upsc exam वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफार्म है ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट है तुम सीख तो चुके ही हो पहले नाउ आईडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है क्या चीज पहले करना है क्या बाद में करना है उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो सो गाइस इफ यू गो थ्रू दीज थ्री स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस If you go through these three step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है कोई दूसरा बुक नहीं छूना है बेरैक्ट नहीं पढ़ना है कोई प्रिवेशियर पेपर भी नहीं करना है जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है तीसरी बार करना है पांचवी बार करना है और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है वी 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 आर 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 वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टेलिंग टेलिंग यू यू टू टू डू स्टडी लेकिन सब करना है सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुक लेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं नहीं जो दिया हंड्रेड परसेंट करना है एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा Guys, guys this strategy has worked very well. ALC uh, exam jo 2017 mein hua tha, in that uh, 35 guys were selected from all, of, all over India. Every fifth guy was human student. लिखा हुआ की जो लोग select हुए हैं ठीक है उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ समी चूक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है Uh, इसके अलावा आपको इफ यू वांट टू गो एड वी आर स्टार्टिंग लाइव क्लासेस ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे सो थ्रू वेबसाइट ओनली यू हैव टू पे ऑनलाइन और आप एनरोल कर सकते हो वी वॉन्ट यू टू कम फॉर लाइव क्लासेज लाइव क्लास में आओ सीखो टीचर से बात करो एंड स्पेंड गुड टाइम अच्छे से पढ़ो तीन चार महीने पढ़ो पहली बार में एग्जाम निकाल लो एंड लिव योर ड्रीम And uh, if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.